समझता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के लिए ये जरूरी है कि एक हिंदू बोर्ड का गठन होना बहुत अति आवश्यक है। जिस प्रकार से देखिएगा कि मुस्लिम बोर्ड जो है अपने इस समाज के लिए किस प्रकार से वो लोगों की समस्याएं दूर करता है, लोगों को सरकारी सहायता मुहैया कराता है और भी कई तरह के मुस्लिम समाज को वो फायदा देने की कोशिश करता है, किस तरीके से हिंदू बोर्ड का भी गठन बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो कि निचले स्तर के लोग हैं, उनको सरकारी जो सहायता होती है, सरकारी मदद होती है, वो उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन एक हिंदू बोर्ड का गठन होगा तो वो समस्या को लेकर तुरंत जाएंगे और तुरंत उसका निष्कासन होगा, तुरंत उसका निस्तारण होगा। तो मैं तो इनकी मांग को पूरी तरीके समर्थन करता हूँ और हिंदू बोर्ड की मैं पहल का स्वागत करूँगा। और जो हमारी मांग लंबित है, मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि 2024 से पहले इसका जरूर गठन कर लिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जैसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता जैन साहब ने वक्त बोर्ड की तरफ से हिंदू बोर्ड बनाने की वकालत की है, अपनी बात रखी है, हालांकि अभी उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी होगी और मैं समझता हूँ उनकी अपनी राय है, आने वाले टाइम पे इस पर विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। क्योंकि सवाल इस बात का भी है कि हम लोग कैसे हम सभी समाज को एकजुट करके और उनको विश्वास दिला सके, ये भी हमें देखना होगा। निश्चित रूप से ये इस विषय में विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। लोगों की अपेक्षाएं उत्तराखंड में ज्यादा हो गई हैं, चाहे जबरन धर्मांतरण का विषय हो, चाहे हमारा जो जमीन में कब्जा का विषय हो, भूमि का हम विषय ला रहे हैं, कठोरतम नकल का कानून लिया है, 30% यहाँ के बहनों के लिए जो क्षेत्र आरक्षण है और विषय है, तो अपेक्षाएं बनना स्वाभाविक है। कोई भी अधिवक्ता अपना विषय रख सकता है, उसमें समय स्तर पर विचार करेंगे। तो आपको लगता है कि हिंदू देखिए समाज के अंदर जो भी सुझाव आते हैं उन पर विचार सरकार को करना होता है, समय पर करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, जो जो विचार समाज के आते हैं उन पर विचार होता है, उसका निर्णय होता है। व्यक्तिगत विचार क्या होता है, हम तो संगठन के व्यक्ति हैं, अपना कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता है, संगठन का जो विचार होगा उस पर चर्चा करेंगे। आज जरूरत है विकास की, आज जरूरत है रोजगार की, आज जरूरत है महंगाई में नियंत्रण करने की। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। आज जरूरी है कि आम आदमी के घर का चूल्हा जल सके, आज जरूरी है कि जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है उसे रोजगार मिल सके, आज जरूरी है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, आज जरूरी है कि कानून व्यवस्था नियंत्रित हो, आज जरूरी है कि जो हमारा संविधान है उसका पालन ईमानदारी से किया जाए, ना कि उसका पालन सरकार की कठपुतली बनकर रह जाए। ये जरूरी है, बाकी चीज़ें उसके बाद। हिंदू बोर्ड का क्या मतलब? देखिए ये सब चीज़ें बरगलाने की है। आज बात रोजगार पे हो, आज बात महंगाई पे हो, आज बात किसानों पर होनी चाहिए, किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, आज बात हिंदुस्तान को कैसे हम जो है कि रोजगार युक्त हिंदुस्तान बनाएंगे, कैसे हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, कैसे महंगाई पे नियंत्रण करेंगे, इन सब बातों पर बात होनी चाहिए, बाकी चीजों पर कोई बात नहीं होनी।